नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि दिल्ली और एनसीआर में जमकर बादल बरस रहे हैं और तस्वीर हम आपको बाहर की दिखाएंगे। ये आईटीओ के पास की तस्वीर है जहां पर भारी बारिश के बाद जलजमाव की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। कल रात से ही दिल्ली और एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पहले अलर्ट जारी किया था दिल्ली और एनसीआर में बारिश का, और इस बीच आपको ये बता दें कि मौसम जरूर सुहावना हो गया है। तपती गर्मी से लोगों को राहत मिली है, उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन सड़कों की तस्वीर अगर देखेंगे तो उन लोगों के लिए जरूर मुसीबत होगी जो लोग आज अपने घरों से बाहर कामकाज के लिए निकलेंगे। तो तीन अलग अलग तस्वीरें जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें चाहे आईटीओ का इलाका हो, प्रगति मैदान का इलाका हो, फरीदाबाद का इलाका हो, क्योंकि दिल्ली और एनसीआर जहां पर गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद तमाम इलाके आते हैं, लगातार बादलों का डेरा एनसीआर पर, और इस बीच झमाझम बारिश, जिसकी एक तस्वीर ये आपकी टीवी स्क्रीन पर, यानी कि तीन अलग अलग जगहों से जलजमाव की तस्वीरें। शनिवार की सुबह दिल्ली वासियों के लिए राहत के साथ साथ मुसीबत भी लेकर के आई है। इस वक्त मौजूद है आईटीओ पर और लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है उसके बाद से दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर जलभराव की स्थिति जो है वो खड़ी हो गई है। आईटीओ की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि घुटनों तक पानी इस वक्त आईटीओ के तमाम इलाकों में जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कश्मीरी गेट, डीडीयू मार्ग, लक्ष्मी नगर, इन तमाम इलाकों के अंदर भी सुबह के वक्त जिस तरीके से बारिश हो रही है उसके चलते जल जमाव की स्थिति जो है वो खड़ी हो गई है। आलम यह है कि आईटीओ के जो फुटपाथ है वहाँ तक पानी जो है वो पहुँच चुका है, और सिविक एजेंसियाँ जिनकी ये जिम्मेदारी है कि जिन लोगों को अपने घरों से दफ्तरों के लिए निकलना है उनको किसी तरीके से परेशानी का सामना ना हो, लेकिन उनको अब इस तरीके से परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ेगा। हालांकि राहत ज़रूर है कि लोगों को एक गर्मी और उमस से राहत ज़रूर मिली है, लेकिन मुसीबत भी जो है वो दिल्ली वासियों के लिए किसी से कम नहीं है। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। सीधा चलते हैं सुशांत के पास, मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुका है। सुशांत, लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं, हमने आईटीओ के पास की आपकी एक रिपोर्ट भी दिखाई, लेकिन इस वक्त क्या तस्वीर है वो भी हमें दिखाइए। बारिश हो रही है, मौसम विभाग क्या कह रहा है? देखिए नवजोत, जिस वक्त हम ये तस्वीरें दिखा रहे थे उस वक्त मैं फुटपाथ से नीचे सड़क पर मौजूद था, लेकिन अब आलम बदल सा गया है। फुटपाथ पर जो पानी है वो पहुंच गया, सड़क पूरी तरह से समुंदर में तब्दील हो गई है। फुटपाथ और सड़क में कोई भी फर्क जो है वो नज़र नहीं आ रहा। जो लहरें आप देख रहे होंगे अक्सर ये लहरें समुंदर की लहरें नज़र आती है, लेकिन अब ये दिल्ली की सड़कों पर नज़र आ रही है। पूरी दिल्ली के तमाम इलाकों में इस तरीके से जल जमाव की स्थिति जो है वो खड़ी हो गई है। लोगों को घंटों इस तरीके से ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि कई किलोमीटर तक आईटीओ, जहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग यहाँ पर खुद मौजूद है, तमाम अफसरों के यहाँ पर दफ्तर मौजूद है, उसके बाहर की ये स्थिति, और दोनों तरफ अगर आईटीओ से अगर हमें लक्ष्मी नगर जाना है और लक्ष्मी नगर से अगर हमें आईटीओ की तरफ आना है, इन तमाम रूट्स पर आपको पानी की जो जल भराव जो है वो आपको साफ तौर पर नज़र आएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए कश्मीरी गेट, इसके अलावा दिल्ली गेट, इन तमाम इलाकों के अंदर जल भराव जो है वो बना हुआ है, और इसी के कारण कई गाड़ियाँ भी जो है वो ख़राब हुई हैं, और गाड़ी ख़राब होने का मतलब घंटों आपको जाम से जूझना जो है वो पड़ेगा, क्योंकि सुबह का दिन है, सुबह का शनिवार का दिन है, कल फेस्टिवल भी है राखी, और ऐसे में जो लोग अपने घरों से निकलेंगे रिश्तेदारों के यहाँ जाने के लिए उनको अब इस मुसीबत का सामना जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार इतवार इसी तरीके का मौसम जो है वो बना रहेगा, और इसी तरीके की स्थिति जो है वो फिलहाल अब दिल्ली के अंदर नज़र आ रही है। लोगों के लिए एक मुसीबत जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, और देख सकते हैं कि घुटनों तक पानी जो है वो फुटपाथ पर है। अगर मैं सड़क के पास जाऊंगा तो जाहिर सी बात है ये जो पानी है वो मेरी कमर तक पहुंच सकता है। ये स्थिति जो है वो दिल्ली के अंदर फिलहाल जो है वो नज़र आ रही है, और आईटीओ के पास ये स्थिति है। सोचिए कि जहाँ कश्मीरी गेट, मोरी गेट, इन तमाम इलाकों में जहाँ पर हर बार जल भराव देखने को मिलता था, वहाँ पर क्या स्थिति होगी कि ये आलम जो है वो फिलहाल दिल्ली के अंदर नवजोत जो है वो नज़र आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि निचले इलाके तमाम हैं अभी फिलहाल, क्योंकि वहाँ की तस्वीरें भी लगातार हम दिखा ही रहे हैं। अब हमने फरीदाबाद के इलाके की भी तस्वीरें दिखाई थी, आईटीओ की तस्वीरें दिखाई, जहाँ पर खुद सुशांत इस वक्त मौजूद हैं। सुशांत, इस बीच ये बताइए कि मौसम विभाग क्या कह रहा है? भले आज देखिए शनिवार का दिन है, जिन लोगों को थोड़ी राहत मिली है वो तो जरूर घर में इस बारिश को एंजॉय कर रहे होंगे, बाहर जाने वालों के लिए मुसीबत है, परेशानी है, लेकिन मौसम विभाग ने क्या प्रेडिक्शन जताई है सैटरडे और संडे के लिए? देखिए मौसम विभाग की तरफ से जो प्रेडिक्शन है वो ऑरेंज अलर्ट की है।
आज और कल इसी तरीके का मौसम जो है वो बना रहेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लगातार मौसम में जो अगर कहा जाए तो परेशानी जो है वो लोगों को उठानी पड़ेगी। तापमान में अच्छी खासी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। तापमान जो लगातार पिछले कई दिनों से 40 डिग्री तक पहुंचा हुआ था उसमें एक बड़ी राहत जो है वो सुबह के वक्त जो है वो दर्ज की गई है। हालांकि 23 अगस्त के बाद एक बार फिर से जो मौसम है वो उसी तरीके से नज़र आएगा। गर्मी होगी, उमस होगी और लोगों को उसके बाद बारिश जो है वो आती हुई नज़र नहीं आएगी, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि अगर माना जाए तो ये मानसून का आखिरी यू टर्न है दिल्ली के अंदर, जहां पर लोगों को एक बड़ी राहत जो है वो मिली है। बिल्कुल, और ये आईटीओ की तस्वीरें जहां पर इस वक्त अगर सुशांत बता पाए कितना ट्रैफिक है अभी, हालांकि अभी 7:30 का वक्त हुआ है, अभी फिलहाल सड़कों पर कितना ट्रैफिक है आईटीओ की बात करें तो? देखिए ट्रैफिक जो रूटीन में होता है नवजोत वैसा ही है, लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैमरा पर्सन रवि कांत से कि किस तरीके से यहाँ पर जाम जो है वो सुबह के वक्त जो है वो देखने को मिल रहा है। अमूमन 10 बजे के आसपास यहाँ पर जो वर्किंग टाइम्स होता है, जब लोग यहाँ पर अपने घरों से दफ्तरों की तरफ पहुँचते हैं तो उनको यहाँ पर जाम से जूझना पड़ता है, लेकिन सुबह का वक्त है, अभी फिलहाल 7:30 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो जो जल भराव है उसके कारण उनको लाइन में लगते हुए जो है वो जाना पड़ रहा है। इस तरीके की परेशानी जो है उनको उठानी पड़ेगी, क्योंकि सड़क के सिर्फ किनारे के जरिए ही वो अपनी ओट लेते हुए गाड़ियों को निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर गाड़ी ज़्यादा पानी की तरफ लेकर के आए तो उनको हो सकता है कि उनकी गाड़ी खराब हो जाए, और ऐसे में रिस्क लोग लेने से बचते हुए फिलहाल जो है वो नज़र आ रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए कि फिलहाल सड़कों के किनारे डिवाइडर के पास ही लोग जो है वो गाड़ियाँ चलाते हुए फिलहाल जो है वो नज़र आ रहे हैं। अंधेरा इस तरह है कि यहाँ पर लोगों को अपनी गाड़ियों की लाइट चालू करनी पड़ रही है। कहीं भी सड़क में गाड़ी अगर ख़राब हो गई तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जाम की कितनी लंबी कतार लगेगी और कितने घंटों लोगों को इसी तरीके से जूझना पड़ेगा। ये देखिए कि बस का आलम देखिए कि बस किस तरीके से डूबी हुई है, उसका पहिया जो है व्हील जो है वो पूरी तरह से आधे से ज़्यादा डूब चुका है, और किस तरीके से बस जो लोग आते हैं देखिए, ये देखिए किस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है। देखिए कि सड़क और फुटपाथ में लोग फ़र्क जो है वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं और लोगों को इस तरीके से जूझना पड़ रहा है। अगर इनको अपने दफ्तर की तरफ जाना है तो किस तरीके से उनको ये परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। ये देखिए ये DTC बसें हैं, लो फ्लोर बसें हैं, ये क्लस्टर है, आप देखिए कि पूरी तरीके से इनका जो पहिया है वो फ्रंट व्हील पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। बस के अंदर तक पानी अगर देखा जाए तो जाता हुआ नज़र आ रहा है। ये तमाम स्थिति है, ये देखिए ये लो फ्लोर बस है DTC की, और तमाम जो गेट्स हैं, आप जाहिर सी बात है कि जो लोग बस स्टैंड पर इंतज़ार कर रहे हैं इन बसों का, उनको कैसे वो अपने घर पहुँचेंगे, कैसे अपने दफ्तरों का पहुँचेंगे, क्योंकि उनको इस पानी से होकर के गुजरना पड़ेगा। गाड़ियां यहां पर ख़राब होनी शुरू हो गई हैं, देखिए एकाएक यहां पर आपको ऑटो जो है वो नज़र आएगा जो कि ख़राब हो चुका है, और ऐसी स्थिति कई इलाकों के अंदर इस तरीके से सुबह के वक्त अब नज़र आ रही है। इन तमाम जो आईटीओ की गलियां हैं जहां पर तमाम अलग अलग विभाग के दफ्तर हैं, वहां पर भी जल भराव जो है वो हो चुका है, घुटनों तक पानी पहुँच चुका है, गाड़ियाँ जो है वो डूबती हुई नज़र आ रही हैं। ये देखिए सामने से जो गाड़ी आपको नज़र आ रही होगी कि किस तरीके से इस गाड़ी के अंदर लोगों को गाड़ी जो है वो ड्राइव करनी मुसीबत जो है वो साबित हो रही है सुबह के वक्त। लोग सोचते हैं कि बारिश हुई है, मौसम अच्छा हुआ है, लोगों को एक राहत जरूर मिली है, लेकिन एक मुसीबत भी जो है वो सबसे बड़ी लेकर के आती है वाटर लॉगिंग की, और लोगों को इससे जूझना पड़ता है दिल्ली के अंदर। और देखिए सुशांत बड़ी बात ये है, तमाम जो अब इसको विडंबना ही कहिए क्योंकि भले ही सरकारें कितनी भी क्यों ना बदल जाएं, लेकिन जो तस्वीर है दिल्ली वाले, और वैसे तो मुंबई में भी ऐसा ही हाल होता है लेकिन खासतौर पर क्योंकि हम जिक्र अभी दिल्ली का कर रहे हैं, तो परेशानी लोगों के लिए बहुत ज्यादा रहती है। सिविक एजेंसियां कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं। तैयारियां, दावे बहुत किए जाते हैं कि इस बार सब कुछ क्लीन है, लोग बारिश का मजा लेंगे, लेकिन ये तस्वीर पूरी पोल खोल दे रही है। देखिए जाहिर सी बात है तस्वीरें पोल खोलती हैं, लाखों रुपए, लाखों करोड़ रुपए जो अगर कहा जाए तो नालों की सफाई पे खर्च किए जाते हैं। अब जैसे जैसे दिन बढ़ेगा ये तस्वीरें जब सामने आएंगी तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू होगी दिल्ली के अंदर। MCD जो दिल्ली नगर निगम है जिसमें भाजपा की सरकार है, वो कहेगी कि PWD ने नालों की सफाई नहीं करी, और दिल्ली सरकार कहेगी कि उनकी तरफ से कहा जाएगा कि नालों की सफाई MCD ने की। लेकिन इस नालों की सफाई के बीच में जो अगर पिसता है वो दिल्ली वासी जो है वो इस तरीके से पिसता हुआ नज़र आता है, जहां पर लोगों को इस तरीके से सुबह के वक्त जब साफ सुथरे कपड़े पहन करके लोग ऑफिस और अपने दफ्तरों की तरफ जाते हैं तो उनको इस तरीके से जो नालों का पानी है उससे होकर के गुजरना पड़ता है अपने दफ्तरों के लिए। अब खुशी है कि किस तरीके से जब जहाँ कोरोना महामारी की तीसरी लहर की दस्तक कभी भी हो सकती है, और ऐसे में लोगों को इस तरीके से इस परेशानी से जूझना
पड़ रहा है राजधानी दिल्ली के अंदर। ये तमाम व्यवस्था है और दिल्ली के अंदर कहा जाए तो अब एक बार फिर से जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तमाम जो राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो है वो शुरू करेंगी और परेशानी जो है वो दिल्ली वासियों को उठानी जो है वो साफ तौर पर पड़ती हुई फिलहाल जो है वो नजर आ रही है। नवजोत, बिल्कुल हमने देखा है क्योंकि सुशांत कई बार ऐसा होता है, आप सही कह रहे हैं कि अब से कुछ ही देर बाद जैसे जैसे नेता जगेंगे देखेंगे कि हालात ऐसी है तो वैसे वैसे अपनी सियासत चमकाने की भी बारी आएगी, तो इस वाटर लॉगिंग पर वो काम भी होते हैं। लेकिन ऐसे में परेशानी उन दिल्ली वालों के लिए जो कि इंतजार करते हैं कि बारिश हो, गर्मी से राहत मिले, उमस से राहत मिले और उस बारिश का मजा ले सके। और स्पेशली देखिए इस वक्त अब वीकेंड शुरू हो चुका है, शनिवार का दिन, कल रक्षाबंधन, त्योहार का दिन, तो लोग इस वीकेंड को एंजॉय करना चाहेंगे, लेकिन इस बीच बारिश राहत की जगह मुसीबत बन जाती है उन लोगों के लिए। सुशांत मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। इस बीच दो तस्वीरें, आईटीओ की तस्वीर जहां पर सुशांत हमें बता रहे हैं कि किस कदर वहां पर इस वक्त धीमा ट्रैफिक है। सुशांत, 8:15 का वक्त हो चुका है लेकिन अमूमन इस वक्त और स्पेशली अगर हम आज शनिवार की बात करें ज्यादा हैवी ट्रैफिक सड़कों पर नहीं होता है, लेकिन कितना अभी फिलहाल तस्वीरें अगर आप सीधी तस्वीरें वहां की दिखा पाएं क्योंकि सड़कों पर कितना ट्रैफिक है, कितनी गाड़ियां इस वक्त है वो भी हम चाहेंगे कि जरा दर्शकों को दिखाई जाए। देखिए ये आईटीओ की तस्वीरें हैं और इस वक्त 8:00 को हैं और आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो सुबह के वक्त जो है वो आईटीओ पर नज़र आ रही हैं। वीकेंड का दिन ज़रूर है, लोग धीरे धीरे ही अपने घरों से निकलेंगे, लेकिन जिस तरीके की वाटर लॉगिंग यहाँ पर हो चुकी है लगता नहीं कि ये 3 से 4 घंटे तक पहले ये पानी जो है वो वापस जो है वो नालों की तरफ जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई जो पंप्स यहाँ पर लगने चाहिए ताकि इस पानी को अब वापस नालों की तरफ जो है वो भेजा जा सके वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। यही वजह है कि यहाँ पर अब जैसे जैसे दिन बढ़ेगा लोगों को लंबी लंबी जाम की कतारों से जो है वो जूझना पड़ेगा। और अमूमन आईटीओ पे अगर कहा जाए तो लक्ष्मी नगर विकास मार्ग से होते हुए पूरा यमुना का जो ब्रिज है वहाँ पर लोगों को ट्रैफिक से जूझना पड़ता है और वही स्थिति जो है वो अब से थोड़ी देर बाद जो है वो नज़र आएंगी। अमूमन आप देख सकते हैं कि फिलहाल अभी भी आपको जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक की जो लाइनें हैं वो नज़र आनी शुरू हो चुकी होंगी कि लोग जो हैं वो धीरे धीरे ही अपनी ट्रैफिक की मूवमेंट जो है वो फिलहाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यही स्थिति है क्योंकि लगातार बारिश भी जारी है, आसमान में चारों तरफ अगर आप नवजोत देखेंगे तो बादल ही बादल छाए हुए हैं और लगातार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। और अगर इसी तरीके से बारिश अगर होती है, अभी देखिए फिर से एक बार बारिश जो है वो शुरू हो गई है, धीरे धीरे तेज़ हो रही है, और अगर इसी तरीके से बारिश जारी रहती है तो ये पानी और बढ़ सकता है, लोगों की मुसीबत और बढ़ेगी, लोगों के लिए परेशानी जो है वो बढ़ेगी। ये स्थिति जो है वो फिलहाल अब आईटीओ और आसपास के तमाम इलाकों में नज़र आ रही है। बिल्कुल तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं सुशांत मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, ये दिल्ली और NCR का हाल। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि सैटरडे और संडे, शनिवार रविवार दोनों दिन अच्छी खासी बारिश हो सकती है, दिल्ली वालों को गर्मी से राहत लेकिन जलजमाव से परेशानी जरूर होगी। दिल्ली NCR का हाल जहां पर मौसम करवट बदल रहा है लेकिन साथ ही साथ परेशानी भी सामने खड़ी है जलजमाव के रूप में। ब्रेक के लिए रुकेंगे, देखते रहिए आज तक।